नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मोदी की सभा का सच। एमएनएस न्यूज की टीम ने गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग गांव देहात से बस और टैक्सियों से लोगों को लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वे ना ही मतदाता थे ना ही सदस्य थे। ऐसी स्थिति में इस सभा में जो भीड़ लाई गई थी वह केवल नरेंद्र मोदी को दिखावा थी। आपके पास सदस्यत्व का नंबर है बीजेपी का? नहीं, भूल गया मेरे पास तो। मैं तो जब ये ऑनलाइन किया था जी, उसमें नंबर एक था मेरा। नंबर एक था? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। बीजेपी की सदस्य है? है। आपके पास सदस्यत्व का नंबर है? है। याद है? याद नहीं। आपके पास है? याद नहीं। आप सदस्य है बीजेपी के? जी सर, मैंने बचपन से लेके अभी तक। नंबर है सर आपके पास? नंबर याद नहीं। के सदस्य है आप? सक्रिय सदस्य है। सक्रिय सदस्य है आपके पास? नंबर है सदस्य? नंबर नहीं है। घर में रह गया। ठीक है, धन्यवाद। किसी के पास है यहाँ पे सदस्यत्व का नंबर? पास में नहीं है। के सदस्य है आप? आपके पास आपकी सदस्यत्वता का नंबर है? नहीं है। आपके पास सदस्यत्वता का नंबर है सर? नहीं। आपके पास नहीं। धन्यवाद। जैसे कि हमारी टीम ने इस सभा का एक और खुलासा किया, गोंदिया शहर से 40 किलोमीटर दूर सड़क अर्जुनी गांव में जो एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के मंत्री राजकुमार बडोले इनका निवास स्थान है, जहां इन सभा की भीड़ को नाश्ता और शराब की व्यवस्था कराई गई थी। सामने ले लेना डाबे वाले पर। नेता और अभिनेता इनमें जरा भी अंतर नहीं होता। अभिनेता जैसे अलग अलग सिनेमाओं में अपने अभिनय करते हैं, उसी प्रकार नेता भी चुनावी दौर में अभिनय करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव की सभा में देखने को मिला। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।